उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके के बड़े ब्राह्मण नेताओं में से एक अमर मणि त्रिपाठी की समय से पहले जेल से रिहाई को लेकर मधुमिता शुक्ला के परिवार वाले सहमे हुए हैं। 20 साल पहले मधुमिता शुक्ला, जो कि एक कवित्री थी, उनकी लखनऊ में उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। तब 24 साल की मधुमिता शुक्ला 7 महीने की गर्भवती भी थी। मधुमिता शुक्ला की हत्या के दोषी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को 25 अगस्त शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया। पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी की रिहाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोषियों की समय पूर्व रिहाई के लिए बनाई गई 2018 की अपनी नीति के तहत की है। 66 साल के अमर मणि त्रिपाठी और उनकी 61 साल की पत्नी 2007 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इन दोनों ने इस दौरान लंबा समय गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में बिताया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, यानी कि जेल में पति पत्नी कम समय ही रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी TV स्ट्रेट टॉक के आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। 17 साल से सजा भुगत रहे अमर मणि और उनकी पत्नी की रिहाई की घोषणा योगी सरकार ने गुरुवार को की, और जैसा कि पहले बता चुकी हूं कि अधिकांश वक्त दोनों ने अलग अलग स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्पतालों में बिताया। ऐसे में अब यूपी में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है, क्या न्याय की ये ताजा तस्वीरें सही हैं? क्या यूपी के पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक रहे त्रिपाठी राजनीति में फिर से अपना दबदबा हासिल कर सकते हैं? और 2003 में अमर मणि को मधुमिता शुक्ला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, उन्हें मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर रिहाई का विरोध किया। निधि ने कहा है कि अमर मणि ने अपनी जेल की सजा का आधे से भी ज्यादा समय गोरखपुर के सरकारी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बिताया है। उनकी रिहाई के बाद उन्हें अब अपनी जान को खतरा होने का भी डर है। निधि ने क्या कहा है, किस तरह से सहमी हुई है, किस तरह से दुख उन्होंने जताया है इस रिहाई का, आइए दिखाते हैं। अधिकारियों ने झूठ बोलकर भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, झूठ बोल करके गलत कागज उन लोगों ने आपको भेजे हैं। जो कागज हमने भेजे ये मेरे कागज नहीं है, वो सरकारी कागज हैं जो आयोग से लड़ाई लड़के हमने RTI से प्राप्त किए हैं। वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक अमर मणि जेल ही नहीं गया। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है? कौन सा कानून है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी त्रिपाठी दंपत्ति को रिहा करने पर बीजेपी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे बिल्किस बानो मामले के आरोपियों की सजा माफी के बराबर बताया है। सवाल स्ट्रेट टॉक में हम भी उठाना चाहते हैं, क्या है ये सवाल आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल है स्ट्रेट टॉक के कि क्या अमर मणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई राजनीतिक कारणों से की गई है? स्ट्रेट टॉक में सीधा प्रश्न हमारा कि क्या अमर मणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई राजनीतिक कारणों से की गई है? क्या योगी सरकार लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट साधना चाहती है? और एक और सवाल, और सबसे अहम भी, कि क्या बीजेपी महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम गंभीरता से लेती है? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब बात बिल्किस बानो की आती है, मधुमिता शुक्ला की आती है, तो ये सवाल पूछना, खड़े करना लाजमी हो जाता है। हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट पैनल जुड़ चुका है इस अहम मसले को समझने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं मुकुल त्रिपाठी। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और अजय शुक्ला सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और अमर मणि त्रिपाठी का अब लोकसभा चुनाव से पहले रिहा कर दिया जाना गोरखपुर में कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आपका एक ताल्लुक गोरखपुर से भी है, जुड़ा हुआ है, किस तरह से आप देख रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियों को? और जो सवाल मैंने स्ट्रेट टॉक में उठाए हैं कि क्या बीजेपी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के दोषियों को जो है कम गंभीरता से लेती है, या फिर ये अपराध जो है उसे गंभीर ही नहीं लगता? अजय सर, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय इत्तेफाक से मैं लखनऊ में ही था और लखनऊ में ही चीजों को देख रहा था, और पूरे केस की जब इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से CBI को ट्रांसफर हुई और सारी बातें आई, उस समय अमर मणि ने एक चीज कही थी कि नहीं, वो निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। लेकिन बाद में जब इसकी जांच मायावती की सरकार थी, तो इसकी, और वो सरकार में मंत्री थे,
पावरफुल मंत्री थे, मायावती के करीबी माने जाते थे, उन्हें यह था कि हम बच जाएंगे। और उस समय जो एसएसपी थे अग्रवाल थे, अनिल अग्रवाल, उन्होंने उनके बचाने के लिए बहुत सारे चीजें करी थी, बहुत सारे सबूत जो है सीबीआई ने उस पर सवाल भी उठाया था कि बहुत सारे फैक्ट जो है सीबीआई के पहुंचने के पहले और सारी चीजों के, और घटना स्थल से गायब थे जब जांच टीम और सब कुछ पहुंची और कैसे कैसे क्या हुआ, वो सारी चीजें थी। बहरहाल वो नहीं बच पाए, उन्हें सजा हुई। क्योंकि मेरे भी पर्सनली मैं बताऊं कि एज ए राजनेता और पत्रकार के उसकी यदि बात करें तो हमारी भी मित्रता थी, क्योंकि जिस तरीके से होता था तमाम बातें होती थी। जो गोरखपुर या कहें पूर्वांचल का एक गैंगवार था, उन दिनों लखनऊ तक हावी था, और मुझे याद आता है इसका रिलेशन जब श्री प्रकाश शुक्ला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा था, उस समय उसको जो संरक्षण देने और बचा के मंत्री की गाड़ी से ले जाने के जो सारे तथ्य आए थे वो अमर मणि पर ही वो आरोप लगे थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। गोरखपुर की राजनीति को यह समझना बहुत जरूरी है, गोरखपुर की राजनीति दो धड़े में बटी रही है। एक ब्राह्मण राजनीति थी जो हरिशंकर तिवारी और उनके इर्द गिर्द घूमती थी, दूसरी राजनीति थी जो है शाही जी की, और शाही जी जो है मठ के जो आज के मुख्यमंत्री हैं उनके समर्थन में होते थे। एक जमाने में कहा जाता है अमर मणि त्रिपाठी के जो पिताजी थे वो थानेदार थे, और अमर मणि को जो है पूरी तरीके से जिस तरीके से इतना बड़ा आधार मजबूत वो दिया था वो पंडित हरिशंकर तिवारी ने दिया था, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें लॉन्च किया था राजनीति में भी। और वैसे बाद में वो हरिशंकर तिवारी के ही खिलाफ चूंकि जाने लगे तो दोनों में दूरियां बढ़ी और उन दूरियों का नतीजा भी रहा जी। तो और ये उस समय योगी वाले गुट में आ गए थे, उसी समय से योगी के साथ थे, और योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम ये किया था कि हरिशंकर तिवारी के हाथे पे छापा डलवाया था, जबकि कोई आरोप कोई चीज नहीं थी, और उसको लेके उनकी बड़ी भद्द पिटी और बहुत ज्यादा उसको लेकर के चीजें आई। बाद में ये आया कि वो किस तरीके से करेंगे, तो उन्होंने उनके बेटे अमन मणि को और सबको वो किया और आगे बढ़ा के वहां पे ब्राह्मण राजनीति का जो केंद्र होते थे हरिशंकर तिवारी उनको खत्म करके इस घर को उन्होंने मजबूत करने की पूरी कोशिश करी जी। तो ये सारी चीजें हैं। यह जब घटना हुई थी 2003 में, घटना के बाद में अमर मणि पहले जेल गए, पहले बहुत सारी चीजें लखनऊ जेल में ही थे, फिर ये आरोप लगता था तो वो तो जेल से सरकार चला रहे थे, वो तो वहां से ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे और सब कुछ कराते थे, डीजीपी उनसे वहां मिलने आता था, यह स्थिति हो। और एक बार यह स्थिति हुई थी जी। कि मुख्तार अंसारी और ये दोनों लोग जेल में बंद थे ऑन रिकॉर्ड, और डीजीपी के यहाँ बैठ करके चाय पी रहे थे उनके ऑफिस में, और किसी की ट्रांसफर कराने गए थे, बड़ा मीडिया में हाईलाइट हुआ था उस समय। तो ये सारी चीजें हुई थी उस दौर में। तो यानी आप स्पष्ट करना चाहते कि रसूख में कोई कमी नहीं आई थी। यहीं पे बता रहा हूँ जी कि जब इसको लेके विरोध हुआ और इस पर सवाल उठे तो उनका केस पूरा ट्रांसफर उत्तराखंड कर दिया गया। जब उत्तराखंड ट्रांसफर हुआ तब कहीं ये इंसाफ मिला था कि उन्हें सजा हुई थी जी। बाकी चीजें आपको जब आप दोबारा पूछेंगे तो बताऊंगा जी। जी मेरा प्रश्न था कि सीधे सीधे ये जो मसला है कि क्या ये बीजेपी की नीति दिखती है, ऐसी राजनीति दिखती है कि महिलाओं के खिलाफ जो दोषी होते हैं अपराध संगीन अपराधों के उसे कम गंभीरता से लेती है, और समय पूर्व जो रिहाई है ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि निधि शुक्ला बयान दे रही हैं कि ज़्यादातर वक्त तो उन्होंने अस्पतालों में बिताया है, तो ये रिहाई उचित कैसे ठहराई जा सकती है, और उन्होंने आनंदीबेन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने भी इस रिहाई पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोई कहीं से सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी भी बने हुए हैं, उनसे भी समझेंगे। और अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की समय से पहले जो रिहाई कर दी गई है, और जो उन्होंने 18-17 साल जो जेल में भी सज़ा भुगती है वो भी ज़्यादातर कहा जा रहा है कि अस्पतालों में ही समय गुजारा है, अस्पताल को उन्होंने अपना घर बना लिया था। और अजय शुक्ला उन्होंने पहले ही बता दिया कि कैसे कैसे जो उनका रुतबा था और मामला जब चल रहा था अंडर ट्रायल था तब भी जो है उनका रसूख लगातार उसकी तूती बोल रही थी। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी भी बने हुए हैं। मुकुल जी आप लखनऊ में बैठे हैं और इस वक्त अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई के
बाद से वहां राजनीति कितनी जो है बदलती हुई नजर आ रही है, ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश योगी सरकार ने की है, इस तरह के जो सवाल हैं या फिर आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर, कितना जो है आप इसको सही पाते हैं? मुकुल जी, देखिए गोरखपुर में जैसे सुनील जी ने कहा कि वो लखनऊ में थे, मैं गोरखपुर में ही था उस वक्त, मेरे पिताजी वही जिला जज थे और मैं सहारा में था, राष्ट्रीय सहारा में जी। तो ये घटना बड़ी करीब से देखी और इनकी जो दबंगई थी वो बहुत मतलब चरम स्तर की थी, जैसे सुनील जी ने कहा अजय जी, अजय शुक्ला जी, अजय सॉरी अजय जी ने कहा कि जैसे ये किसी दबंग में तो कोई कमी थी नहीं, ऊपर से ये कुछ भी, इनफैक्ट मेरे सामने एक बार एक डीएफओ को बुला के उस तरह से इन्होंने जलील किया है कि जैसे आदमी अपने नौकर को भी जलील नहीं करता। और कुछ पेड़ कटाई की बात थी और उस पे डीएफओ खड़ा था, मैं हम लोग बैठे थे, हम लोग को बड़ा खराब लगा, हम लोग उसके चले गए तो पूछे भी बाद में क्या, तो मैंने कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का है जी। और उसको आपने बैठने तक के लिए कुर्सी नहीं देखी? What he said, बाप बाप चिल्लाते हैं जब मैं बुलाता हूं, सेम वर्ड आज भी मुझे याद है कि जब मैं बुलाता हूं तो बाप बाप चिल्लाते हैं। तो ये इनकी दबंगाई का आलम था, जैसे आपने कहा ये जेल में ये ये 16 महीने रहे हैं और 8.5 साल हॉस्पिटल में रहे हैं, 8.5 साल हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल इनका घर था, कहा तो यहां तक जा रहा है कि अपने मतलब हमारे ही सूत्र बताते हैं गोरखपुर के कि ये अपने बेटे की शादी में दिल्ली तक गए थे, बेटे की शादी में दिल्ली तक गए थे, इनके साथ गाड़ियां गई थी और सारे शीशे काले थे, ये सारी चीजें बिना सरकार के और बिना पुलिस की मदद के ये हो ही नहीं सकता। इसमें बेसिक होता है कि न्यायपालिका तक, जुडिशरी तक ये मामला ना पहुंचे, कोई आदमी ना देख पाए, इस तरह से इनको कवच में ले जाके इनके लड़के ने शादी की जी। अमन मणि का सबको पता है वो किस तरह का नेचर है, इनके छूटने से ब्राह्मणों पे, गोरखपुर के ब्राह्मणों पे मुझे नहीं लगता कि सरकार ने भले ही सोचा हो, लेकिन जो हरकतें हुई हैं वो समाज की है ना, उसकी बेटी थी किसी की जी। वो भी किसी का, इसमें धर्म की बात नहीं आती है, जो पढ़ा लिखा समाज है, गोरखपुर में काफी इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो वो इनकी हरकतों से इनसे नफरत करते हैं, कोई घर आने नहीं देना चाहता जी। जी अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहां जो कम्युनिटी है, ब्राह्मण समुदाय जो है वो पसंद नहीं करता इस परिवार को, लेकिन इस परिवार को लगातार जो है, जैसा अगर मैं अमन मणि त्रिपाठी जो उनके बेटे हैं उनकी स्टेटमेंट देख रही थी, वो कह रहे हैं कि योगी जी तो हमारे परिवार के गार्डियन की तरह हैं, तो अगर सीधे सीधे मुख्यमंत्री से पारिवारिक रिश्ते हैं तो कहीं ना कहीं अगर समय से पहले रिहाई हुई है तो ये राजनीतिक कारण या फिर राजनीतिक उद्देश्य जो है नजर आता है, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि कितना जो है ये प्रभावित कर सकते हैं, क्या अभी भी जो है अगर ये राजनीति में जाते हैं तो ये प्रभावित कर सकते हैं वोटर्स को? ये एक लाइन में आप बात समझ लेंगी कि एक फंक्शन हुआ, योगी जी वहां पे थे और सरकार बनी थी जी, गोरखनाथ में फंक्शन था, अजय जी जानते होंगे वहां पे अमर उजाला अखबार ने अमन मणि की फोटो पैर छूते हुए योगी जी के फ्रंट पेज पे छाप दी जी। अब पत्रकारिता का स्तर समझिए कितना गिरा हुआ है। उस संपादक ने बहुत अच्छा काम, नाम नहीं कोट करूंगा, उस संपादक ने बहुत अच्छा काम किया, उसका विवेक मैं मानता हूं कि वो इज ए वेरी जम काइंड ऑफ पर्सन, उसको हटा दिया गया, कैन यू बिलीव दिस, वो फोटो छापने के कुछ दिन बाद वो हट गए जी, पैक कर दिया उनको। ये देखिए अब आप इस चीज को समझिए कि किस स्तर पे, मतलब वी आर द लिस्ट, हम लोग को, मैं अमर उजाला में रहा, मैं कई अखबारों में रहा, मैंने देखा कि मुझे जो भी संपादक मिला उसने खुल के काम करने दिया कि जो भी खबर लाओ छापो, लेकिन होता क्या है कि संपादक ही इतना कमजोर हो जाएगा, ये शायद उस फोटोग्राफर और कम से फोटो तो लेके आके उसने संपादक को दी, तो ओवरऑल लाइबल तो संपादक ही है, संपादक का समझ लीजिए कत्ल हो, वो उसी दिन से वो बाहर हो गए। तो अब आप राजनीति और इनका जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और इनका जो गठजोड़ है वो आप समझ लीजिए कि वो फोटो कितनी बुरी शासन को लगी कि मैसेज गलत जा रहा है। उसी से कुछ दिन पहले जो एक यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी भतीजी का, भांजी की भतीजी थी, उसका भी मर्डर हुआ था, मनमणि जी ने जो एक्सीडेंट हुआ था जी। तो वो चीजें उसी के बाद की घटना थी। ऐसी ऐसी खबरें हैं कि ये बैठा के लड़कियों को और गाड़ी से कई अधिकारी नेताओं के घर चला जाता था।
विधानसभा अध्यक्ष के घर गए, जो हमारे लोगों ने बताया, जो डांट के उसको भगाया गया है कि तुम भाग जाओ यहां से, दोबारा आना मत। तो जो इस स्तर का होगा उसको ब्राह्मण, एक देखिए ब्राह्मण एक जो समाज है जी, वो इस तरह की हरकतें या इस तरह के आदमी को तुच्छ समझता है, वो ब्राह्मण मानता ही नहीं। और इनका अगर ये सोचना है कि अमरमणि त्रिपाठी ब्राह्मण, जो हरकतें हैं वो ब्राह्मण वाली नहीं है, बेटे की भी हरकतें ब्राह्मण वाली नहीं है, ये जो फंसे हैं ये अपने कर्म से फंसे हैं, ये इसको इसमें मजा आता है जी, ये इनमें मजा आता है ये लोग, तो इनसे ब्राह्मणों पे क्या भला होगा। ये अगर दुबे की हत्या, विकास दुबे की हत्या का अगर ये कुछ चाहते हैं कि अमरमणि को छोड़ के हम कुछ बेनिफिट पा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये बेनिफिट पा पाएंगे अब इतने दिन बाद, क्योंकि इन लोगों को कोई भी शरीफ आदमी अपने गोरखपुर जिले में नहीं पसंद करता है। गांव देहात में पैसा फेंक दे, अपना एक अलग इनका वो हो, जो इलेक्शन जीते भी थे, अब की बार हार गए थे, इससे पहले जो जीते थे तो जितनी बार लड़ा था, अब की बार घर घर जाके जब जीतता था 2017 में, तो घर घर जाके बोला था कि अब की बार जीता तो एक बार जीता दो। इतनी बार से आता है, बहने गई थी, बहने बाहर से फॉरेन से आई है, फॉरेन से उन्होंने पूरा उन्होंने इलेक्शन उन्होंने देखा है भाई के लिए, और वो फाइनली जीता था जी। आपकी नहीं लगा, आपकी हार गए। तो कुल मिला के ये है कि इससे ब्राह्मणों पे, जो एक अच्छा पढ़ा लिखा ब्राह्मण है जिसमें मैक्सिमम पढ़े लिखे होते हैं, आप अमरमणि के साथ रहेंगे क्यों, ये बताइए आप पहले। अगर आप ब्राह्मण, यानी आप, आपका स्पष्ट कहना है कि ब्राह्मण समुदाय इस परिवार से है जो अपने आप को अलग थलग रखना चाहता है जी। नहीं, मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, आप ठेके में अगर आपको चाहिए, आपको गुंडई चाहिए, आपको वसूली चाहिए, तभी तो आप अमरमणि से मिलेंगे, वरना एक शरीफ आदमी तो डरेगा, वो जाएगा क्यों इनके पास। तो अगर उस टाइप का आपका माइंडसेट है, देन यू तब तो आप जाइए। यानी पिता पुत्र के जो जी 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 जो आपराधिक पृष्ठभूमि है, उससे ब्राह्मण समुदाय अपने आप को अलग थलग रखना चाहता है, इसलिए राजनीतिक प्रभाव जो है ये शायद नहीं दिखा पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ अजय शुक्ला जी भी बने हुए हैं, उनसे समझेंगे कि फिर इस तरह की बातें मीडिया में क्यों आ रही हैं, कि क्या समय से पहले जो रिहाई दे दी गई है ये ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश है, अजय शुक्ला से भी समझेंगे। और सीधे लेकर चलना चाहेंगे अजय शुक्ला जी के पास। अजय सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बुकुल त्रिपाठी जो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है प्रभावित नहीं होगा ब्राह्मण समुदाय, बेशक समय से पहले रिहाई कर दी गई है, लेकिन विकास दुबे का उन्होंने नाम लिया है कि उनकी उनका जो इनकाउंटर हुआ था उससे जरूर जो है ब्राह्मण समुदाय नाराज हो गया था, इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं अजय सर? क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहा जा रहा है कि अगर ये समय पहले रिहाई हुई है तो इसका राजनीतिक मकसद है ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश है योगी सरकार की जी। नहीं, मैं मुकुल की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मुकुल ने बहुत सही और जमीनी बात बताई है, सच्चाई यही है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि बड़े ईमानदारी से, जब वो दिन हुआ करते थे तो कई बार कई लोग ये कहते थे कि अमरमणि को घर मत बुलाना, कहीं औरतों पे किसी पे नजर पड़ गई तो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की स्थिति थी। एक घटना का और जिक्र करूंगा, एक दिन रात के 2 बजे अचानक कॉल आती है कि कोई हजरतगंज में एक महिला पकड़ी गई, दारू के नशे में उस पर चली जा रही थी, और वो बता रही है कि मैं अमरमणि की वाइफ हूं। उस समय अमरमणि मिनिस्टर थे, राजेश पांडे उस समय एसपी सिटी हुआ करते थे लखनऊ सिटी जी। तो हम 4-6 जो मित्रगण थे पत्रकार, वो वहां पहुंच गए रात को, चूंकि पाइनियर पे ही थे तो वहां से थोड़ी दूर पे ही था। तो पहुंचे तो राजेश भाई बैठे हुए थे, तो हम भी लोग पहुंचे, हम लोग कहे क्या है क्या है, तो छिपाने की कोशिश जैसे होती है पुलिस, क्योंकि मंत्री का नाम आ रहा था उनका कोई नहीं। फिर अंत में हम लोग पहुंच ही गए, तो पहुंच गए तो पता चला तो उसने तमाम बातें कह रही थी। उसका नाम था मधुमिता शुक्ला, वो अपने आप को पत्नी बता रही थी जी। और उस समय एसपी सिटी ने फोन किया, चूंकि पीछे हजरतगंज के पीछे ही उनका अपना फ्लैट था जी। हाँ, लगता है अजय सर तक हमारी आवाज, अजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है कि कुछ तकनीकी समस्या आ गई है अजय शुक्ला जी के पास। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब कोई परिवार इतना समाज में बदनाम है, इसके बावजूद अमरमणि जो हैं, बेटे जो हैं अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी के, वो चुनाव जीत जाते हैं, निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या वहाँ की जो राजनीति है, जो स्थानीय राजनीति है, महिला विरोधी अपराधियों को भी जो है इस तरह से एक्सेप्ट कर लेती है कि क्योंकि हमारी जाति का कोई उम्मीदवार खड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक जो स्कोप हो जाता है ऐसी जातिगत राजनीति का, वो दिखने लगता है, बेशक वो अपराधी क्यों ना हो। मुकुल जी, वहां पे एक्चुअली जो महाराजगंज इनकी सीट थी, वो विधानसभा में अमरमणि का अच्छा खासा वर्चस्व था, ये और एक ठाकुर परिवार है, दोनों के बीच में अदावत होती रहती है। पप्पू सिंह करके हैं, वो इनके खिलाफ लड़ते थे, वो इस बार जीता है और अमरमणि को हराया उसने। जहां तक बात करें तो इनकी जो ये पूरा हत्याकांड हुआ है, ये बेसिकली अमरमणि ने नहीं पकड़ाया था, ये मधुमिता बेसिकली थी, ये इन्वॉल्व हुए थे बीच में। मधु जो इनकी पत्नी है, इनका फोन तो मेरे पास आया था, मधुमणि त्रिपाठी का, मधुमणि त्रिपाठी का फोन मेरे पास आया था जब मैं गोरखपुर में था जी, क्योंकि मेरे पिताजी जिला जज थे वहां पे। इनका मधुमणि का फोन इस वजह से, इस कवित्री के लिए नहीं आया था, इनके संबंध किसी डॉक्टर से जी, और वो उसके लिए मुझे फोन करी थी कि एक बार आप उस डॉक्टर को समझा दीजिए कि ज्यादा ना करे, मेरा पारिवारिक जीवन खराब हो रहा है। तब तक मधुमिता की एंट्री नहीं हुई थी जी, तो ये मैं बताऊं, मैं तो खुद गवाह हूं। तो उन्होंने कहा कि मुकुल जी आप बोलेंगे, चूंकि आप पत्रकार हैं, पिताजी आपके जिला जज हैं, तो इस पे असर पड़ेगा इनके ऊपर, ये चुदरेंगे। लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, मैं मियां बीबी की आपस की लड़ाई में हम क्यों बीच में पड़े, ये आपस में समझे। और वो समझने में ये हुआ, एट लास्ट जब मधुमिता आई और उसके बाद से वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तब जाके उनको लगा कि अब तो, इनफैक्ट मधुमिता का तो ये भी मतलब वहां ये गोरखपुर में था कि वो कवित्री जाके इनकी माँ से मिल ली थी जी, अमरमणि की मदर से मिल ली थी, और अमरमणि की मदर रेडी थी कि हाँ चलो तुम शादी करो, इतना तक बात वहां उड़ी थी। लेकिन फिर वो होता है किसी की शादी टूटेगी अगर, और इतनी पुरानी, बच्चे छोटे थे, तो जाहिर बात है वो औरत कोई ना कोई अपने रामपुर के पास उनकी कोई उनका मायका था, कहाँ था, वहीं से उन्होंने पूरा जो है जो भी शूटर थे और लखनऊ के शूटर सारे इन्होंने करवाए, और उसके बाद ये दोषी पाई गई और जेल गई जी। सबसे मजे बात, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये फंसते ना, इन्होंने भ्रूण हटाया नहीं, इतना सब होने के बाद भी अगर पेट से उसके भ्रूण निकल जाता तो शायद ये चीज कभी आती ही नहीं, इनका दिमाग ही नहीं गया उस चीज पे। दूसरा, इन्होंने जिस दिन मर्डर हुआ दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सभी अखबारों के जो राजनीतिक जो पार्टी देखते हैं वो गए, तो जो इस बीच में 2 क्राइम रिपोर्टर चुपचाप पीछे से आके बैठ गए। उन्होंने अमरमणि आए, उन्होंने प्रेस नोट पढ़ा, प्रेस नोट पढ़ने के बाद बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म जी। वो सब आराम से उठ के जा रहे थे, तब तक एक हमारे मित्र हैं मनीष मिश्रा जी, जी वो दैनिक जागरण में थे, तो उन्होंने कहा कि आप मधुमिता को जानते थे कि नहीं जानते थे, तो उसने वो बड़ा चौका, उसने कहा ये कौन है, वो घबरा गए, चेहरे से पता चल गया, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब सवाल पूछेगा मुझसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा कि आप कौन, तो बोले मैं दैनिक जागरण से मनीष मिश्रा। तो उन्होंने कहा कि दैनिक जागरण में फिर बड़े बड़े पत्रकारों के उस टाइम के नाम गिनाने लगे कि मैं उनको भी जानता हूं, तब विनोद शुक्ला जी संपादक हुआ करते थे जी, तो उन्होंने कहा वहां तो विनोद शुक्ला जी भी है, वहीं पे एक और भूपेन्द्र जी और कई तीन चार वो आ गए क्राइम रिपोर्टर्स। तो मनीष मिश्रा और इन लोगों को कंधे पे हाथ रख के ले गए अंदर, अरे यार तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो, चलो अंदर चलो, और ये लोग बाहर निकले हैं, इनसे जो सवाल पूछा गया उसके बाद से कंटिन्यूअस इनके खिलाफ मीडिया ने हल्ला बोल दिया, जिस तरह से कि ये समझ नहीं पाए कि मीडिया को मैनेज कैसे करें, उन 2 पत्रकारों की वजह से 3-4 जो पहुंच गए थे बिना बुलाए। तो कुल मिला के ये है कि बचने की हर चीज कोशिश की गई, और इतना हमारे घर में अगर कोई इस तरह का कांड हो जाए, कोई लड़का निकल जाए ऐसा, तो शर्म से हम लोग किसी से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जी, जब बड़े बड़े राजनीतिक घराने होते हैं उनपे कोई असर नहीं पड़ता है, वो उनकी आंख की शर्म खत्म हो चुकी राजनीति में आते ही,
तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी मुकुल जी, आपकी बातों से मुझे ये प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में, खासकर गोरखपुर में, ब्राह्मण समुदाय प्रभावित हो ना हो, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश शायद योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से पूरे देश में की गई है कि त्रिपाठी की रिहाई से एक संदेश भेजा जाए कि ब्राह्मणों के फेवर में बीजेपी खड़ी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोकसभा, ऐसे में स्पष्ट हो रहा है कि लोकसभा चुनाव को साधने की ये कोशिश हो सकती है। ये मेरा स्वयं का आकलन है, इस पर क्या आपकी राय है, या फिर हमारे साथ अजय शुक्ला, अगर तकनीकी समस्या समाप्त हो गई है तो वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने समय से पहले ही, यानी कि जिस तरह से गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप और मर्डर मामले में समय से पहले ही दोषियों को रिहाई दे दी गई थी, ठीक ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में भी सामने आया जिसमें अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जो है मधुमणि त्रिपाठी, उनकी समय से पहले रिहाई कर दी गई है। हालांकि निधि शुक्ला, यानी कि जो पीड़ित परिवार है, निधि शुक्ला, मधुमिता शुक्ला की बहन, जिनकी हत्या हुई थी, जिनके दोष में ये सजा काट रहे थे आजीवन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ज्यादातर समय तो स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्पतालों में बिताया है। ऐसे में ये रिहाई उचित कैसे ठहराई जा सकती है? हमारे साथ अजय शुक्ला भी बने हुए, मुकुल त्रिपाठी भी बने हुए। अजय सर से समझने की कोशिश करती हूँ। अजय सर, अगर उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर में ब्राह्मण समुदाय इस रिहाई से प्रभावित नहीं है क्योंकि इस परिवार का नाम बहुत बदनाम हो चुका है, तो क्या हम ये समझें कि देश के भीतर, पूरे भारत के भीतर ये संदेश देने की कोशिश की गई इस रिहाई से कि बीजेपी ब्राह्मणों के साथ खड़ी है? अजय सर देखिए, अब मैं फिर मुकेश जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, ब्राह्मण चेहरा नहीं है, सिर्फ दिखाने की कोशिश है। यही कोशिश तो इन्होंने की थी, जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे को अपने साथ पिला के कि हमें ब्राह्मण का बहुत बड़ा चेहरा ये कह रहे हैं, और उन्होंने उस इलेक्शन पहले कुछ महीने तक उन्होंने कैंपेन चलाई थी ब्राह्मण चेतना मंच बना के और न जाने क्या क्या, और फिर उसके बाद उन्हें लाया गया, इस तरह पेश किया गया ब्राह्मणों का इतना लीडर लेके आ गया। उनकी अपना वजूद तिलोई के आगे कहीं नहीं है। इसी तरीके से महाराजगंज में भी, पूरे महाराजगंज में इनका वजूद नहीं है, गोरखपुर में ही नहीं पूरे में है, छोड़िए। तो ये बातें भूल जाए कि वो कोई बस दिखाने के लिए एक है। और आपको एक ही बताएं, इनको तो सदैव ब्राह्मण द्रोही के तौर पे वहां देखा जाता है, इनको सदैव वहां पर इस रूप में देखा गया, इन्हें योगी आदित्यनाथ का साथी माना जाता था। और जिन दिनों में, मैं आज बड़े ईमानदारी से कहता हूं, उन दिनों में जो स्टैंड लगते हैं तमाम, उनसे योगी के लोगों की वसूली का सारा चीज होती थी कि योगी वसूली करवाते हैं स्टैंडों से और इससे और उससे, तो ये सारी चीजें आती थी और उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता था, ये लोग मिलके काम करते थे, और वो जो एक क्रिमिनल्स के गैंग होते थे वो लोग संचालित करते थे, तो और उनको मठ के अंदर छिपाया जाता था, ये बहुत सारे आरोप रहे हैं। इसलिए इसमें कोई बड़ी नई चीज नहीं है, यदि ये कर रहे हैं तो ये कर ही सकते हैं, और स्वाभाविक सी बात है निधि निधि ने ही ये पूरी लड़ाई लड़ी है। और जैसा मेरा कनेक्शन कट गया था कि जैसा मैंने उस समय बताया कि इस स्थिति में थे कि अमरमणि ने अपनी गाड़ी और अपना पीएस भेजा, वो मधुमिता को लेके गया, घर छोड़ के आया और सारी चीजें, तो इसलिए कोई नई चीजें नहीं है जी, ये सब चीजें ऐसी रही है। और जैसा मुकेश ने बताया कि वो डॉक्टर वाला रिलेशन, अरे एक रिलेशन नहीं है, इनकी बहुत सारे जगह महिलाओं के मामले में इनको ये कहा जाता था, सही शब्द में कहे कि ये वुमेनाइजर है जी, इस तरह के शब्द कहे जाते थे। और यही चीज इनके, इनका बेटे के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो लड़कियां उठा लेता है, तो इस तरह की स्थितियां है इन सब अच्छा फिर नेपाल बॉर्डर से जो तस्करी और सबके आरोप लगते रहे और बहुत सारी चीजें आती रही है वो भी है, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, क्या चीजें नहीं है, इतने आरोपों से घिरा व्यक्ति है, उस आदमी को यदि आप अच्छे चाल चलन के नाम पे रिलीज कर रहे हैं तो सब बड़ी अजीब चीज लगती है। और वो सही सवाल उठा रही है कि जेल में वो रहे कितने दिन जी जी। सर मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसे में एक माहौल बना हुआ है कि बिल्किस बानो का भी एक केस है और अलग अलग राज्यों में अगर मैं देखूँ तो कई ऐसे बीजेपी के नेता या फिर मंत्री हैं जो महिला के खिलाफ अपराध के दोषी पाए गए हैं और उनको जो है
एक तो अंडर ट्रायल जो है वो भी लंबा खिंच जाता है, बृजभूषण शरण सिंह का भी जिक्र किया, वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई और बड़ी मुश्किल से है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की। तो क्या ये मैसेज ये भी नहीं जा रहा है पूरे देश में, पूरे भारत में, कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी जघन्य अपराध होता है और अगर उसका जो दोषी है, जो आरोपी है, अगर उसके संबंध बीजेपी से हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो ये तो बड़ा नुकसान बीजेपी कर रही है अगर त्रिपाठी के। जी मैं कहता हूं, NCRB का एक डाटा देख लीजिए, जितने रेप के एक्यूज्ड है 80% के रिलेशनशिप बीजेपी से है, 80% के, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं जी, कि तरह की ये एक मेरा फिगर नहीं है, कि भारत सरकार के पास जो एनालिसिस किया जाता है उससे आता है। इसके बाद मैं दूसरी चीज बताऊं, हरियाणा में संदीप सिंह मिनिस्टर है जी, उसके ऊपर यौन शोषण के मामले में चार्जशीट हो गई और मोदी के अधीन है सीधे पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस अमित शाह के सीधे अंडर में है जी, उसने चार्जशीट करी है जांच के बाद। उसके बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री विधानसभा में कहता है इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। अब आप एक चीज समझिए कि जब चार्जशीटेड हो जा रहा है तब ये स्थिति है। इसके बाद आप देखिए चार सीटेड हुए बृजभूषण शरण सिंह, हम सब जानते हैं और उनके आचरण को जो भी यूपी से जुड़ा हुआ है वो जानता है, गोंडा से लेकर के कैसरगंज से लेकर और सारी चीजें सब जानता है जी। तो उनकी स्थितियों को सबको ही समझता है और उसके बावजूद यही स्थिति है। यही स्थिति आप देखिए मध्य प्रदेश में भी है, यही स्थिति आप मणिपुर में आप देख लीजिए, यही स्थिति और बहुत सारी जगह देख लीजिए, जहां पर भी इस तरह के आते हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का रुख कमोबेश यही दिखाई देता है कि हम अपराधी के साथ खड़े हैं, यौन शोषक के साथ खड़े हैं। और यही वजह है आप देखिए बिल्किस बाने के एक्यूज को छोड़ा जाता है और बड़े गर्व से बताया जाता है, हम तो ब्राह्मण होकर के, मुझे शर्म आती है कि उसे यदि आप ब्राह्मण कहते हैं जो 14-14 लोग जो है एक महिला के साथ में गैंगरेप करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि नहीं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ब्राह्मण है इसलिए छोड़ा जा रहा है। ऐसे में ब्राह्मणों को जो है ऐसे दोषियों का जो है तिरस्कार करना चाहिए, खुलकर जो है ऐसे दोषियों के खिलाफ जो है घोषणा करनी चाहिए। सही कह रहा हूँ और बिल्कुल मुकेश सही कह रहे थे, कानपुर में विकास दुबे के नाम का जरूर नुकसान होगा, विकास दुबे के चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और उसने यदि कहेंगे तो कानपुर में कम से कम 5,000 लोगों को उसने नौकरियां दिलाई और दी है जी, और उसने जिस तरीके किया था। और इसके साथ साथ वो तो वास्तव में यदि कहेंगे तो उसमें जो पैसा इन्वॉल्व था बहुत सारी चीजें उसका डेप्थ में जांच होती तो शायद सरकार के बड़े लोग कटघरे में खड़े होते और स्थिति है वो नहीं इस स्थिति में आता, क्योंकि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े केसेस में कभी नहीं भागा उसे 300, 500, 600 के केस में आप कह रहे हैं कि वो ये कर रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता था, वो चला आता। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लेकिन मुकुल जी जाते जाते एक लाइन में आपसे समझना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं में किस तरह का संदेश क्या है, अगर मधुमिता शुक्ला की हत्या के दोषी हैं और ये परिवार जैसा कि आप लोगों ने स्वयं बताया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध या फिर उनको बुरी नज़र से देखने की बात होती है तो त्रिपाठी परिवार बदनाम है, महिलाओं में किस तरह का संदेश गया होगा? मुकुल जी एक लाइन में, लगता है हमारा संपर्क कट गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय भी समाप्त हो गया है। तो इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज बस इतना ही, लेकिन उम्मीद करती हूं कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जो समय पूर्व रिहाई मिली है और ये न्याय की वर्तमान में क्या तस्वीर पेश कर रहा है इस पर जनता को सवाल जरूर पूछना चाहिए, बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर अमरमणि त्रिपाठी हो या फिर ऐसे ही नेता जो भी महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के दोषी ठहराए जाते हैं, चाहे वो हरियाणा के संदीप सिंह ही क्यों ना हो, चार्जशीटेड हो गए हैं, आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई में बीजेपी हिचकिचाहट क्यों दिखाती है, एक बड़ा प्रश्न। आप फीडबैक देना ना भूलें, इसके बारे में आपकी कोई राय है या फिर कोई जवाब आपके पास है तो जरूर हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात, धन्यवाद।